नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आने के कुछ ही दिनों के बाद जुलाई 2015 को कजाकिस्तान गए थे। तो आज मैं बताऊंगा कजाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। कजाकिस्तान का हिंदी में मतलब होता है रहस्यों का देश, और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 1 किलोमीटर पे सिर्फ 6 लोग रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग या तो रशियन हैं या फिर मंगोल प्रजाति के राजा चेंगिस खान के वंशधर हैं। कजाकिस्तान में ज्यादातर 2 भाषाएं बोली जाती हैं। एक है कजक जो रशियन और अरबिक को लेकर बना है, और दूसरा है रशियन। 1917 के पहले कजाकिस्तान एक रशियन एम्पायर था, लेकिन 1917 के बाद यह सोवियत यूनियन का एक देश के रूप में माना जाने लगा। 1930 से 40 के दौरान कजाकिस्तान और सोवियत यूनियन के अन्य देशों में स्टेलिन के द्वारा काफी लोगों को मारा गया, जो बाद में सोवियत यूनियन टूटने का एक बहुत बड़ी वजह के तौर पे देखा गया। 1991 में सोवियत यूनियन जब टूटा, तब रशिया और कजाकिस्तान ही सिर्फ 2 देश थे जो अंत तक सोवियत यूनियन का साथ रहा और सबसे अंत में स्वतंत्रता डिक्लेयर करा। एक ही धरती से बनने वाला 2 देश रशिया और कजाकिस्तान हमेशा एक दूसरे का साथ निभाता है। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश रशिया से बात बोलने के लिए कजाकिस्तान का काफी सहारा लेता है। कजाकिस्तान का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन दुनिया में सबसे पुराना है और बहुत ही एडवांस्ड माना जाता है, और ये सोवियत यूनियन और रशिया का हमेशा से मेन स्पेस स्टेशन रहा है। कजाकिस्तान ही वो देश है जहां से दुनिया में पहली बार एक आदमी को महाकाश भेजा गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन यहां पे 500 से अधिक परमाणु बमों का परीक्षण किया, जो हिरोशिमा और नागासाकी से 20 से 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। कजाकिस्तान यूरोप और एशिया दोनों महादेशों में आता है, और इसीलिए इस देश को यूरेशिया देश भी कहा जाता है। यहाँ के 70% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, और बाकी बची आबादी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। ये एकमात्र मुसलमान देश है जहाँ पे शिक्षित की हार लगभग 100% है। यहाँ पे पढ़ाई की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसीलिए ये देश साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। सदियों से यहाँ के महिलाओं को बहुत ही बहादुर और योद्धा माना जाता रहा है, और ये एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा लड़कियाँ प्रशासन में काम करती हैं। जुलाई 2016 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कजाकिस्तान का दौरा किए थे। यहाँ का राजधानी अस्ताना है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर अल्माती है। ये इतना विकसित देश होने के बावजूद यहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि घर के अंदर अगर सीटी बजाया जाए तो आदमी गरीब हो सकता है। दुनिया में सबसे पहले घोड़े को पालतू जानवर कजाकिस्तान में बनाया गया। कजाकिस्तान के ट्रेडिशनल लोग बहुत सालों पहले काठों से बना तंबू में रहना पसंद करते थे। ये देश कितना विचित्र है, इसका अंदाजा आप एक ही बात से लगा सकते हैं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले 110 पदार्थ में 99 इस देश में पाए जाते हैं, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जहां का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के साथ जुड़ा नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एप्पल का उत्पत्ति कजाकिस्तान के पर्वतों में हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए क्यों अच्छा नहीं लगा।